गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ब्लॉग। सो मैं जा रही हूँ भटिंडा। सो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है और मैं ट्रेन में बैठ गई और मैंने खा पी के आराम से मस्त से अपना फोन चलाने लगी। और यहाँ पर मैं फोन में देख रही हूँ निधि कटियार की वीडियोस, आप लोग जानते ही होंगे उन्हें। सो ट्रेन में कुछ करने के लिए नहीं था और हमारी जो ट्रेन थी वो 3 बजे, रात के 3 बजे पर डिपार्चर पर पहुँचने वाली थी। सो आई वॉज वेरी बोर, सो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन ही चला लेती हूँ। बट सोचो यार, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था फ़ोन चलाने के लिए, बट उसके अलावा कोई काम भी नहीं था करने के लिए। सो आई डिड दैट और मुझे सबसे ऊपर वाली बर्थ मिली थी जो कि इतनी हिल रही थी, इट वॉज शेकिंग, एंड मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई क्योंकि बहुत हिल रही थी ट्रेन जब चल रही थी। तो एनी वेज, दिस इज माई फर्स्ट ट्रेवल ऑफ 2024। आई विश कि और भी करूंगी मैं आगे। एंड दिस इज माई OOTD जो मैं बाथरूम में दिखा रही थी। बाथरूम की लाइट काफ़ी मस्त थी। एंड गाइज, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, विच इज़ भटिंडा। एंड ओ माई गॉड, जब मैं वहाँ पहुँची ना, आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने जब से वो मूवी देखी है ना करीना कपूर की, जब भी मैट, तब से मुझे भटिंडा इतना प्यारा लगने लगा है कि भटिंडा भटिंडा। एंड जब हम जाने वाले थे सो आई वॉज सो एक्साइटेड। पहले तो मैं नहीं जा रही थी बट बाद में मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। एंड यहाँ पर आप सुनना कि मैंने कितना एक्साइटेड होकर कि भटिंडा आ गए हम। एनीवेज, मेरी एक्साइटमेंट पूरे भटिंडा ट्रिप पर रही है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद घूमने जा रही थी और मुझे बहुत मजे आ रहे थे। बाय द वे, मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, मैं बताना भूल गई, सो सी इज माय मॉम। और हम मार्च में गए थे तो उस टाइम पर ठंड थी, इसलिए मैं अच्छे से कवर करके बैठी हुई ऐसे दिख रही हूँ आपको, कवर की हुई, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। एंड गाइज, दिस इज़ माय नेचुरल फेस, रॉ अनफिल्टर्ड, कुछ भी मेकअप नहीं किया हुआ था, बिल्कुल ही बेकार लग रही थी मैं। बट मैं आपको बताती हूँ, जब हम भटिंडा स्टेशन पर पहुँचे ना, आई वॉज सो शॉक कि मतलब वहाँ पे इतनी लाइटें थी, इतने लोग थे, इतनी चहल पहल थी ना, लग ही नहीं रहा था कि हम रात के 3 बजे वहाँ पर पहुँचे। ऑनेस्टली, गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे। सो रात को हम रुक गए थे वेटिंग रूम में वहीं स्टेशन पर, और वेटिंग रूम काफी अच्छा था, वहाँ काफी सारे लोग थे, सो इट वॉज वेरी सेफ। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। सो मेरी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको दिखाने के लिए मैं गई थी भटिंडा, घूमने के लिए नहीं गई थी बेसिकली। हमने रिक्शा लिया और रिक्शे से हम सीधे पहुँच गए हॉस्पिटल। यार लास्ट क्लिप को इग्नोर कर देना क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी। और हम गए हैं धोबी घाट। सो हम धोबी घाट आए हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारी तारीफ सुनने को मिली थी कि भटिंडा का जो धोबी घाट है वो काफ़ी पॉपुलर है, और हमारे हॉस्पिटल से बहुत ही थोड़ी दूर पर था। सो मैं तैयार हुई फटाफट से और हम निकले। यहाँ पर हमें ये बैग्स दिख रहे थे जो कि सारे थे अंडर 300 रुपीज़, लाइक हर एक पर बैग 300 रुपीज़ का था। नाउ मुझे फील हो रहा है कि मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया ये वर्साचे का बैग जो था ड्यूब, वो बहुत सुंदर लग रहा है। इवन सारे बैग बहुत सुंदर थे बट मैंने एक भी नहीं लिया गाइस, मुझे अभी बहुत रिग्रेट हो रहा है। बट हम थोड़ा सा और आगे चले, फिर यहाँ पे हमें दिखी थी एक दुकान जो कि थी सूट की, मुझे लेने थे सूट, तो हम ये सूट वाली दुकान पर गए थे अंकल जी। ये दिखाना भैया, ग्रीन वाला ऊपर सूट थे जो कि इन्होंने दिखाए, और मैंने कुछ सूट्स परचेज भी किए। मुझे एक मरून वाला सूट भी बहुत सुंदर लग रहा था बट मैंने वो नहीं लिया। मैंने 2 सूट लिए हैं, अगर आपको उनका ट्राई ऑन चाहिए तो आप शॉर्ट्स में, मैं ज़रूर से उनका ट्राई ऑन करूँगी, आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। और हमें वहाँ पे खाटू श्याम जी की सवारी शोभा यात्रा निकल रही थी वो भी देखने के लिए मिली, जो कि काफ़ी ऑस्पिशियस थी। आगे देखो, प्रसाद खाकर हम निकले पेट पूजा करने के लिए। हम एक रेस्टोरेंट में गए थे जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट था बीकानेर टाइप का, जहाँ पे आप खड़े होकर खा सकते थे। तो हमने ये खाया ढोकला, फिर हमने ये खाई एक फेमस डिश जो कि भटिंडा की थी, आप मुझे नाम कमेंट करके बताओ, वैसे इसका नाम जूली था और ये काफ़ी अच्छी थी, मीठी खोए से बनी हुई थी, सो आई लव्ड इट। फिर मैंने थोड़ी देर तक चिट चैट की अपनी मम्मी के साथ क्योंकि मैं उन्हीं के साथ गई थी। और पता है इनकी दुकान पर इतनी सारी वैरायटी काजू वाली डिशेस थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी, लाइक मिठाइयाँ थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, सो आई थॉट मैं थोड़ी सी कैप्चर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम गए मार्केट और थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया, वहाँ पर हमने ये झालमुड़ी टाइप की खाई जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, भैया ने इतना नमक भर दिया था इसमें। हम शाम को आए अपने रूम पर, लाइक हॉस्पिटल में ही हमने रूम लिया था, वहीं पर हम आए, वहाँ पर हमने खाया, मैंने मंगाया था ये लज़ानिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पिज़्ज़ा जो कि बहुत बकवास था, पिज़्ज़ा बहुत बकवास था बट लज़ानिया बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम लज़ानिया ट्राई किया था तो मुझे एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं कि कैसा आएगा, बट इट वॉज सो टेस्टी एंड इट वॉज जस्ट फॉर 200 रुपीज़। मैंने जोमेटो किया था और भटिंडा के ही किसी लोकल किचन से मैंने ये मंगाया था,
मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट जब मैंने खाया ना, सो आई वॉज सो सरप्राइज कि इतना टेस्टी है, इसमें बहुत सारी चीज़ थी, आई जस्ट लव्ड इट। सो हमारे पास एक दिन और था, सो नेक्स्ट डे हम गए थे गुरुद्वारा श्री किला मुबारक। फर्स्ट टाइम पे गुरुद्वारा में आ रही थी, मुझे इतना मन था, कब से मुझे गुरुद्वारा जाना था बट मैं कभी गुरुद्वारा नहीं गई हूँ गाइस। सो आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे गुरुद्वारा जाने को मिलेगा, और मैंने यहाँ पर अपने सिर पर वो कैप लगाई थी, ये बांध के फिर मैं गुरुद्वारा में अंदर गई। फन स्टोरी, यहाँ पर मुझे अंकल जी ने बोला कि आप अपने जूते हमें दे दो, हम साफ कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो मेरे जूते क्यों साफ करेंगे और रखेंगे अपने पास। उन्होंने कहा चोरी हो जाते हैं। मैंने कहा छोड़ो, कोई नहीं, नहीं होंगे चोरी। और उन्होंने क्या चाल चली पता है, उन्होंने अपने पास छुपा के रख लिए। जब मैं निकली ना, सो आई वॉज लाइक कि अंकल जी मेरे जूते थे कहाँ गए। उन्होंने कहा मैंने तो मना किया था ना बेटा मत रखना, फिर बच्चे आपने क्यों रखा। अब मैंने कहा छोड़ो यार, कोई नहीं, मैं दूसरे ले लूंगी। फिर बोलते हैं अच्छा रुको रुको, हमने रख दिए थे। मैंने कहा यार अंकल जी क्या ही किया आपने, मतलब ठीक है। और पता है जब हम पहुंचे ना, उस टाइम पर गुरुद्वारा में बट रहा था लंगर, एंड गाइस मुझे इतना मन था लंगर खाने का, और ये बहुत टेस्टी, दिस वाज द टेस्टीएस्ट लंगर एवर। फिर लंगर खाकर हमने किला घूमना चालू किया, क्योंकि किला बहुत बड़ा था और मेरी मम्मी पहले आ चुकी थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही घूमो, क्योंकि उनके पैर में दर्द भी था। सो मैं गई, मैंने पूरा किला घूमा आराम से, मैं आपको भी दिखाती हूं। जर्नी करके तो आ चुके हैं, एंड ये देखो दिल्ली स्टेशन, जिस पर इतनी भीड़ है, ओ माय गॉड, लोग थे या मच्छर बैठे हुए थे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। और मैं लंगर खाने के बाद कुछ खाया नहीं था, सिर्फ गन्ने का जूस पिया था, तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, और मुझे वहां पर कुछ भी नहीं खाना था, सो मैंने फिर केले खाए, 2-3 केले खा लिए। उसके बाद हमारी एक और ट्रेन थी जो हमें रात को 3 बजे हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाली थी। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज गाइस, हम उसके बाद घर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।